वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने चूल्हे को किस तरीके से साफ कर सकते हैं। अक्सर जब भी हम खाना बनाते हैं तो उस पर दाग धब्बे लग जाते हैं और तेल वगैरह गिरने से उसमें चिकनाहट आ जाती है, जिस कारण कॉकरोच वगैरह आने लगते हैं और दाग धब्बे जम जाते तो अच्छे भी नहीं लगते। तो मैं आज आपको एक इजी और सिंपल तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने चूल्हे को अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें लेना है टेलकम पाउडर। दोस्तों, सबके घर में एक पाउडर होता है, नॉर्मल सा पाउडर। इस पाउडर को हमें पूरे गैस पे अच्छे से छिड़क लेना है, पूरे गैस पर। देखिए इस तरीके से। गैस पर पाउडर छिड़कने के बाद इसे पूरी रात हमें छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है, हमें एक इजी लेना है, जिससे हम स्वेटर धोते हैं तो इजी लेना है, या फिर आप सरफ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर इजी ले रही हूँ। इजी से बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है गैस। तो चलिए मैं अब इसमें इजी डालूंगी थोड़ा सा। इजी डालने के बाद इसे अब हमें ब्रश से रगड़ना है। देखिए मैंने पानी में भिंगा लिया है, अब इसे अच्छी तरीके से रगड़ना है ताकि इसमें जितनी भी तेल की चिकनाहट है या दाग धब्बे हो गए वो अच्छे से निकल जाए। दोस्तों यकीन मानिए, इससे गैस बहुत ही अच्छे से साफ होता है, आप खुद देखिए। गैस को अच्छे से रगड़ने के बाद इसे अब हमें कपड़े से पोंछ लेना है। तो मैं यहाँ पे माइक्रोफाइबर कपड़ा ले रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है साफ सफाई के लिए। अगर आप इसे लेना चाहते हो आप ऑनलाइन आराम से ले सकते हो, माइक्रोफाइबर कपड़ा है ये। तो देखिए मैं इसे भी ड्राई ही पोंछ रही हूँ, अभी मैंने इसे भिंगाया नहीं है कपड़े को, मैं इसे ड्राई कपड़े से ही पोंछ लूंगी। Thank you.
ड्राई कपड़े से पोंछने के बाद अब मैं कपड़े को थोड़ा सा भिगा लूंगी, इसके बाद गैस पोंछूंगी। दोस्तों देखिए कितना चमक गया है, जितनी भी तेल की चिकनाहट थी सारी निकल गई है। आप भी इसे जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी टिप्स है ये। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।